ईश्वर हमारी मनोकामना, हमारी समस्याएं जो भी देती हैं वे हल कर देता है। तो आज की समस्या हमारे मोदी जी कर रहे हैं, तो मोदी जी हमारे भगवान हैं, भगवान हैं जी। हम लोगों के गरीबों के हर गरीब के दिल से निकलती है कि मोदी जी हमारे भगवान हैं। पहले अपन रह रहे थे कच्चे मकान में, प्रधानमंत्री जी ने हमको ये मकान दिए है। मतलब सबसे सुविधा गरीबों के लिए छत होती है, जो कांग्रेस ने कभी नहीं किया। मोदी जी के रात में छत होती, गरीबों को जो छत दी गई है उससे गरीब बहुत ज़्यादा उठ गए हैं। क्योंकि हमारे मकान जो हैं बिल्कुल सेम, जैसे हम दूसरों के मकानों पर काम करते थे, हमारे घर से जो दूसरे के काम के लाए जाते थे, सफाई करते थे, उनके रोटी बना खाने बनाना जो भी अपने इधर से हम लोगों के यहाँ से जाते थे परिवारों से, तो उनके घर जैसे थे वैसे ही हमें लगाए हैं। मोदी जी ने हमको टंकी दिया, धुएं में खाना बनाते थे। अच्छा। अब हम अपनी टंकी में खाना बना रहे। 15 अगस्त के दिन बांटे थे हमको। अच्छा। हाँ। और रहने का मकान दे दिए। हाँ। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। हकीकत में एक एक जो जितने योजना उन्होंने दी एक एक मिल रही, 100% सब लोगों को मिल रही। कोई यूँ नहीं बोल सकता, किसी से भी आप जाके पूछोगे, आग मिच के किसी घर पहुँच जाओगे तो सबको एक न एक योजना जरूर है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देते हैं, उनकी जो योजना है ये आयुष्मान कार्ड की, जो यहाँ पे कई लोगों को हमने खुद ने आगे रखे, जो गरीब लोग उनका इलाज नहीं करवा पा रहे थे उनका इलाज करवाया और 5-5 लाख का उनको वहाँ से इलाज की सुविधा मिली है। तो भाई साहब फ्री पढ़ाई बच्चों की, और इतने अच्छे संस्कार के बच्चे हमारे, टाइम से स्कूल जाते हैं और टाइम से आते हैं। ना तो हमें बच्चों की चिंता है, न हमें अपनी आप की चिंता है। कभी हम 100-125 किलोमीटर आते थे, लेकिन 7 से 8 घंटे लगते थे बस में। अभी हम हमारे गांव के खाते गाँव करने जाते, रिश्तेदारी में 2-2.5 घंटे में पहुँच जाते हैं। बगैर भेदभाव के हम लोग जी सकते हैं, हमारी मेहनत का हमारा दाम भी मिल सकता है। मार्केट से हम सही दामों पे ओरिजिनल सभी चीज़ लेकर खा सकते हैं। फिर हमारे को मकान मिला है, सारी सुविधा मिली है, लाइट मिला है, पानी मिली है। वो तो अपने मोदी जी मतलब अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। मोदी सरकार जैसे सरकार नहीं मिलेगी, फिर आएंगे मोदी।